फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। खाद्य तेल और तिलहनों की कीमत पर नियंत्रण के लिए केंद्र ने राज्य से जिंसों पर भंडारण की सीमा के आदेश को लागू करने को कहा है। एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार को बाधित किए बिना इस आदेश को लागू करें। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 3 फरवरी को खाद्य तेलों और तिलहनों पर भंडारण सीमा को 3 महीने यानी कि 30 जून तक बढ़ाने को आदेश दिया है। आदेश में भंडारण की सीमा का भी उल्लेख था। सभी राज्य और संघ शासित प्रदेशों के साथ इस योजना के एग्जीक्यूशन की समीक्षा की गई है। मंत्रालय ने बयान में कहा, बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य संघ शासित प्रदेश स्टॉक सीमा के आदेश को लागू करें, लेकिन इस आदेश को लागू करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि आपूर्ति श्रृंखला और कारोबार में किसी तरह की अड़चन न आने पाए। साथ ही बयान में कहा गया कि इस कदम से अनुचित व्यवहार, मसलन जमाखोरी, कालाबाजारी पर रोक लगेगी। राज्यों को खाद्य तेलों के मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य परिदृश्य के बारे में भी बताया गया। राज्यों को इस बात की जानकारी दी गई कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें किस तरह से भारतीय बाजार को प्रभावित कर रही हैं। खाद्य तेल के मामले में खुदरा कारोबारियों के लिए भंडारण की सीमा 30 क्विंटल है, थोक व्यापारियों के लिए ये 500 क्विंटल है। थोक उपभोक्ता की खुदरा दुकानों, मसलन बड़ी श्रृंखला और रिटेल के लिए ये सीमा 30 क्विंटल और उनके डिपो के लिए ये 1000 क्विंटल है। खाद्य तेलों के प्रसंस्करणकर्ताओं ने अपनी भंडारण क्षमता के 90 दिन के बराबर का स्टॉक रख रखा है। वहीं तिलहनों के मामले में खुदरा कारोबारियों के लिए भंडारण की सीमा 100 क्विंटल और थोक व्यापारियों के लिए 2000 क्विंटल है। खाद्य तिलहनों के प्रोसेसर 90 दिन के खाद्य तेलों के उत्पादन के बराबर तिलहनों का स्टॉक रख पाएंगे। इस आदेश के दायरे में निर्यातकों और आयातकों को कुछ शर्तों के साथ बाहर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।